बैठाओ बच्चे बैठाओ। बैठो देखिए जी, हमारे जम्मू यात्री निवास के प्रेसिडेंट हैं पवन शास्त्री जी, जो हमारा जम्मू यात्री निवास हरिद्वार में भी है और जम्मू में भी है, उसका मैं एक छोटा सा सदस्य हूं यात्री निवास का। तो उनके माध्यम से मैं बात करूंगा कि ये जो यात्रा है, ये उन्होंने 1008 लोगों का संकल्प लिया हुआ है कि 1008 लोगों को वो माताएँ बहनें बच्चे जो 12 साल से ऊपर हैं, 80 साल के अंदर हैं, वो जिन्होंने आज तक हरिद्वार में स्नान नहीं किया है गंगा जी के तट पर, वो उन लोगों को मैं चाहते हैं कि वो 1008 आदमियों को मैं वहाँ स्नान कराऊं। और आज ये जो बच्चे हमारे चूड़ामणि संस्कृत विश्वविद्यालय के जा रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूं कि ये बच्चे वहाँ जाएंगे, कल पहुंचेंगे और कल सुबह इनका स्नान होगा वहाँ हरी की पौड़ी में। उसके बाद शिव अभिषेक होगा, क्योंकि कल शनिवार है, कल शिव जी का बहुत बड़ा बार है और सावन महीना चल रहा है। बड़ी खुशी है कि बच्चे आज किस पोशाक में जा रहे हैं, इनका भी बड़ा असर हमारी संस्कृति पर पड़ेगा, बसोली पर पड़ेगा, वहाँ के लोगों में पड़ेगा जब जाएँगे वहाँ गंगा जी के तट पर। फिर उसके बाद इन बच्चों को वहाँ माला दी जाएंगी, माला के बाद इनके पास डायरियाँ होंगी, पेन दिए जाएंगे, सब कुछ, और थोड़ी देर बैठाकर इनको बताया जाएगा कि कैसे राम नाम जपते हैं, कैसे राम नाम इन्होंने लिखते रहना है। और जब भी इनकी डायरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पेन ख़त्म हो जाएंगे, ये जमा करवा देंगे यहाँ, तो इनके डायरियाँ पेन दोबारा इन्हें मिल जाएंगी और पुरानी जो इन्होंने लिखा होगा वो हमारे हेड ऑफिस में जो जम्मू में चली जाएंगी। ऐसे ही इनको वहाँ कल और भी पूजा और गौ पूजा और बहुत कुछ करने का इन्हें मौका मिलेगा। अभी ये 2 दिन बाहर रहेंगे, मंडे को ये वापस आएंगे, और इनको भारत माता मंदिर, गायत्री महामंदिर और जितने भी बड़े मंदिर हैं वहाँ ले जाया जाएगा। और उसके बाद इनका रोटी का, खाने का, अगर बच्चा कोई बीमार होता है, कुछ होता है, तो 2 डॉक्टर हमारे साथ हैं यहाँ गाड़ी में, वो इनकी सारा जो है व्यवस्था करेंगे, खाने का हर चीज़ का इनकी व्यवस्था जो होगी वो शास्त्री जी द्वारा होगी। इसलिए मैं इनके माध्यम से, आज हमें मौका मिला है इनके माध्यम से, अपने बसोली वालों को, सभी को, बनी वालों को, महनपुर वालों को, जो निर्दोगमान इलाके के हमारे लोग हैं, हमारे माता बहनें हैं जो आज तक कभी भी गंगा स्नान करने के लिए नहीं गई है, उनके लिए ये बसें जो हैं वो चलाई गई हैं। हर मस्या को ये बस जाएगी, ये संग्रांत को भी बस जाएगी। लेकिन अगर हमारे जहाँ के इसमें एक प्रावधान होगा कि एक फार्म इन्हें मिलेगा, वो फार्म हमसे ले सकते हैं, उसके उसमें फार्म भरेंगे जे, एक फ़ोटो और एक आधार कार्ड की कापी उसके साथ लगाएंगे, और हमारा हेडक्वार्टर जो जम्मू है शास्त्री जी द्वारा, वो इनकी सीटें वगैरह लाट कर देगा। अगर गाड़ी जहाँ पूरी हो जाती है बसोली के अंदर, बनी बसोली महनपुर लाकर, तो ये पूरी गाड़ी यहाँ से जाएगी। अगर फ़र्ज़ किया जहाँ अधूरी रह जाती है, 30 लोग जाते हैं सारे, तो बाकी हो सकता है इन्हें लखनपुर बुलाया जाए या इन्हें पठानकोट बुलाया जाए, जहाँ इन्होंने वहाँ जाना है वो इन्होंने अपने खर्चे पर जाना है। उसके बाद यही व्यवस्था जो आज बच्चों के साथ है, यही इनको वहाँ मिलेगी। आती बार फिर इनको गंगा में स्नान कराया जाएगा, उसके साथ
साथ इन्हें एक एक कैनी जो है गंगा जल की, अमृत की और प्रसाद इन्हें दिया जाएगा। ऐसे व्यवस्था जो है हमारे प्रेसिडेंट जो हैं पवन शास्त्री जी ने वो अपने द्वारा 1008 लोगों के लिए रखी है। और ये चौथी गाड़ी है हमारी, जो तीन गाड़ियाँ वहाँ से जम्मू से चली गई हैं और ये चौथी गाड़ी है जो बसोली से जा रही है। इसलिए मैं जितने भी लोग हमारे सुनने वाले हैं, मैं सभी से ये कहूँगा कि जो भी आज तक गंगा स्नान के लिए नहीं गए हैं तो मेहरबानी करके वो अपना प्रोग्राम बना लें और उनको निःशुल्क जाना है, कोई पैसा नहीं देना है, खाने का नहीं देना है, रहने की व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था, उन्होंने सिर्फ जाना है और वापस आ जाना है, चाहे वो 80 साल के हों, 85 साल के हों, माताओं हों, बहनें हों। अगर छोटा बच्चा किसी बहन के साथ है तो वो अपना बच्चा ले कर जा सकती है, लेकिन ऐसे बच्चे 12 साल के नीचे जो हैं वो उन्होंने अलाउ नहीं किए हैं। मैं आज शास्त्री जी का यहाँ बहुत आभारी हूँ, इनका जिनके स्कूल के जिनके जुड़े जिन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था जहाँ चलाई है चूड़ामणि संस्कृत विद्यालय में, कि इनके सहयोगी जितने भी हैं पंडित जी हैं या जितने भी यहाँ हमारे, मैं तो पहली बार आज यहाँ गया हूँ, मेरा मन बड़ा खुश हो गया है, इसलिए जी खुश हो गया है। और ये सारी व्यवस्था जो है इसमें बड़ा योगदान हमारे छोटे भाई शक्ति पाठक जी का है, जो DIG हैं, आपको जानते ही हैं, वो काफ़ी समय से इन्हीं चीज़ों में, इनका पूरा परिवार है, इनके परिवार के साथ तो मैं भी हूँ, इसलिए उनकी माध्यम से भी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी जाना चाहें मेहरबानी करके वो अपने अपने पंजीकरण नाम की जो करवा सकते हैं। ADC साहब हैं हमारे साथ और दूसरे साथी हैं हमारे साथ, आज मैं इनका भी बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने अपना आशीर्वाद बच्चों को दिया और मीडिया वाले सारे आज यहाँ पहुँच गए हैं। मैं आपका बहुत रोल होता है मीडिया वालों का, आपसे मैं कहूँगा अच्छी से अच्छी खबर दें ताकि आप सारे इलाकों में जहाँ हमारे जाए और जितने भी लोग हैं जो जाना चाहे वो सारे लोग जो हैं वो अपना हमारी जो मस्या आती है या संग्रांत आती है वहाँ उसमें गाड़ी में बैठ के ऐसी व्यवस्था में जा सकते हो और वैसे ही अपने अपने घरों में पहुँच सकते हैं। तो फिर आपका मीडिया वालों का और सभी का बड़ा बड़ा शुक्रिया और ADC साहब का भी और जितने मेरी माता बहन हैं सभी का शुक्रिया कि आप सभी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारा सभी का आशीर्वाद जो है भगवान मंदिर के सामने जो साक्षी हैं जहाँ भोलेनाथ जी आजकल सावन महीना चल रहे हैं, इनके आशीर्वाद से आपकी सफल होगी यात्रा और आप खुशी से ऐसे ही मंत्रोच्चारण करके अपने घरों में यहाँ पहुँच जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।